हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम लोग आए हैं जीप के इवेंट में। आपको हमने इनकी बहुत सारी कार्स दिखाई है, कंपास की हम लोग बात करते रहते हैं, रूबीकॉन बहुत बार आपको चला के दिखाई है, ऑफ रोडिंग दिखाई है, कार के स्पेक्स की बात की है। मेरिडियन का पूरा डिटेल रिव्यू आपको मैं दे चुकी हूँ, इसका मैंने टेस्ट ड्राइव भी आपको दिया था, लेकिन आज हम इसकी चेक करेंगे ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। ये गाड़ी की हमेशा हम बात करते हैं कि यार ये टक्कर देती है फॉर्च्यूनर को, तो उसके कंपैरिजन में कितनी ये गाड़ी खड़ी उतरती है, आज डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट। आपको देख रही थी मैं कि यार बड़ी हिम्मत कर रहे हो, मेरे को तो डर लग रहा है आज। आज ऑफ रोडिंग से डर लग रहा है। आप डरेगी तो और होगा क्या होगा। हाय सुमित, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, कैसे चल रहा है सब? गुड, ऑल वेल ऑल वेल। और काटना है? पूरा कट है। ये करना है? बिल्कुल करना है। ओके बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। कार सच में बहुत पावरफुल है। मेन थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो ये वाला मुझे सबसे टफ लगा, लेकिन जहाँ पर कार फुल ऑन टिल्ट हुई थी वहाँ पर गाड़ी का सुपर अमेजिंग बैलेंस है। मैंने इसमें ब्रेक वगैरह सब पे से पैर हटा दिया था, कार अपने आप सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है इसमें। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस ऑफ मेरिडियन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ड्राइव फैबुलस, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया भैया। गाड़ी तो खतरनाक है ये, मीन्स बैलेंस ऑफ द कार इज सीरियसली आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द 4x4 एंड द कार? 4x4 इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑल द कार्स इफ यू आर लवर ऑफ ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। सो व्हाट इज आपका फर्स्ट इन सेगमेंट? फॉर्च्यूनर में भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मुकुल कपूर मैम। मुकुल, तो दोस्त हमारा इस कार का जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने इस कार को चला के देखा, तो देखिए नो डाउट कार के अंदर सुपर पावर है, सुपर बैलेंस है, बहुत जगह आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ना ही एक्सेलरेट करने की ना ही ब्रेकिंग सिस्टम की, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है कार के अंदर। आपको सिंपली हल्का सा एक्सेलरेट करना आप छोड़ दीजिए, उसे हर्डल के अकॉर्डिंग गाड़ी अपने आप को बैलेंस करती है। बहुत जगह पर मुझे ऐसा लगा कि इतने हर्डल्स होता ना कि कहीं जगह हमने लिमिटेड चीज़ों को चेक किया था, यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ों को चेक किया गया है। चाहे हम गाड़ी को पत्थर के ऊपर चला रहे हैं, चाहे बिल्कुल टूटा फूटा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ आपका रोड है, या फिर बैलेंसिंग की हम लोग बात करें, एवरीवेयर दिस कार स्टैंड्स आउटस्टैंडिंग। मुझे बहुत मज़ा आया इसको ड्राइव करके। अगर आपके दिमाग में भी कोई डाउट है और गाड़ी को आप कंसिडर कर रहे हैं मेरिडियन को, तो प्लीज़ एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। इस बजट में इसका कंपैरेटिवली काफ़ी सारी कारें आती हैं, लेकिन जब भी कार खरीदें, आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि बहुत सारी कारें हमें ट्राई करनी चाहिए, जीप मेरिडियन इज़ वन ऑफ देम, जिसको कंसिडर करना श्योर शॉट है, उसको स्किप नहीं कर सकते आप। ये दोस्त फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।